खुद अपने तमाम एमएनएस को कहा है कि आप सब यहाँ पे तशरीफ लाएं, छुपे तो वो जिन्होंने आइन को पर शक खून मारा है, पीढ़ियों का हम क्यों छुपे। मैंने कहा आप लोग यहाँ आए, सारे पार्लियामानी कमेटी के अंदर हम बात करते हैं, फिर जो पुरमन एहतजाज का या जो सिलसिला होगा वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। मुख्तसर नहीं है, बताया फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया पीटीआई में, पार्टी में एक ही ब्लॉक है और एक ही लीडर और वो इमरान खान का वोट है। जो इमरान खान के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसको अवाम भी रिजेक्ट करती है, पाकिस्तान भी रिजेक्ट करता है, उनकी सियासत भी ख़त्म है और पूरी उम्र वो अपने आप को स्टिग्मा में ले जाएंगे, गदारी का लेबल अपने ऊपर लगाएंगे। मेरा लीडर इमरान खान दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा, उसका वोट ख़त्म नहीं हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हुई, हम हैं ना, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे मजबूत पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाय द वे जो आप कह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या फलाना ब्लॉक है, ये तो या पार्टी जो है वो कमज़ोर हो गई है, इतना सख्त वक्त अगर पीडीएम के ऊपर होता ना तो ये इस वक्त नाई के अकामे के ऊपर, चपड़ासी के अकामे के ऊपर इस वक्त दुबई जा चुके होते, ये इस वक्त लंदन भाग चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी लीडरशिप है जो इधर तरह के मुकाबला कर रही है।